हम जा रहे हैं वन मेमोरियल की तरफ। हम लोग वन मेमोरियल ये अंदर में वन मेमोरियल होगा यही ना। हाँ हाँ अच्छा निकलते हैं। चलो अपन उधर क्या सबसे पहले क्या देखा था तुम? वो गीत क्या रहा? राष्ट्रपति भवन था ना। हाँ उसके बाद इंडिया के तो उसके बाद मेमोरियल ऐसा नजारा है आप देख सकते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ निकास एक्टिंग। हाँ ये है बाहर जाने का। हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और जाएंगे यहाँ से जू, दिल्ली जू निकल गए। अभी कहाँ जाएंगे? दिल्ली जू जाएंगे। तो हम इंडिया गेट से बाहर आ चुके हैं और जाएंगे इधर मेन रोड तरफ। ये यहाँ से बाहर निकलते हैं और आगे देखते हैं। लग रहा था आएंगे पेटीज। तो हम फाइनली ऑटो में बैठ चुके हैं और जा रहे हैं दिल्ली जू। तो हम पहुंच चुके हैं दिल्ली जू। अगर आपका टिकट 4 बजे के पहले बुक है तो आप अंदर जा सकते हैं। अगर 4 बजे के बाद टिकट बुक करना चाहेंगे तो नहीं होगा और उसमें भी आपका ऑनलाइन टिकट बुक किया जाता है। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, 4 बज गया था शाम का तो हमारा टिकट बुक नहीं हुआ। तो हम अब यहाँ से जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। हमारे साथ में भैया भी जा रहे हैं बंगला साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा पहुंच चुके हैं। तो गुरुद्वारा में सर ढकने के लिए हमने ये कपड़ा लिए हैं अपने सर में बांधने के लिए और भैया जी ने भी लिया है साथ में। तो चलो अंदर देखते हैं जाके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धार्मिक पुस्तक भंडार। तो यहाँ पे अपना चप्पल और जूता जमा करते हैं। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं। हमने तो कपड़ा ले लिया था अपने सर को ढकने के लिए। आप नहीं लिए हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं।
भाई साहब सरोवर की तरफ दृश्य दिख रहे हैं और सामने में भी लिखा हुआ है, तो हम वीडियो नहीं बनाएंगे, हम बंद करेंगे। तो यहाँ दर्शन वर्शन करके हम लोग निकल रहे हैं और भैया जाएंगे गुड़गांव, हम चले जाएंगे फरीदाबाद। गुरुद्वारा से थोड़ी दूर पे ही पटेल चौक मेट्रो स्टेशन तो हम लोग आ रहे थे, तो वहाँ सबसे अच्छी चीज़ हमने देखी कि गुरुद्वारा का फ्री सेवा ऑटो है जो वहाँ से लाने और ले जाने का काम करते हैं। तो हमारा मेट्रो आ चुका है, हम इसमें बैठेंगे, अंदर जाएंगे मंजिल पर। ये अंडरग्राउंड है। तो मैं फाइनली बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पहुंच चुका हूँ, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।